हेलो फ्रेंड्स, कल करवा चौथ है और 6 साल हो गए मेरी शादी को। फर्स्ट करवा चौथ हो गया ऐसा जिसमें मेरे हाथ बिल्कुल खाली हैं। हो सकता है मैं कल मेहंदी लगाऊं थोड़ी बहुत, पर मुझे लगता नहीं है, उम्मीद नहीं है, क्योंकि रुद्राक्ष अभी बहुत छोटा है और ये बिल्कुल किसी से हैंडल नहीं होता है। बट मेरी ज़िंदगी का पहला करवा चौथ है। लिटरली बहुत बुरा लग रहा है। मम्मी ने सूप भेजा है, वो सुबह डालना है, और जो खुद अपने यहाँ से जो सूप था वो सिल के नहीं आया है। शाम का भी कुछ पता पता नहीं है, शाम को क्या डालने वाली हूँ क्या नहीं डालने वाली हूँ। बट जो सुबह की तैयारी है वो मैंने भी कर ली है। अभी बड़ी मुश्किल से रुद्राक्ष सोया है और अभी टाइम हो रहा है 10:30। 10:30 हो रहे हैं और मैंने थोड़ी बहुत तैयारी की है सुबह की, ताकि ज़्यादा हड़बड़ाहट ना हो। अगर रुद्राक्ष उठा भी हुआ हो तो मैं जल्दी से रेडी होके सगी खा सकूं। तो मैं आपको दिखाती हूँ अपना सूट और अपनी ज्वेलरी दिखा देती हूँ, जो मैंने इकट्ठी करके एक जगह रख ली है, ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊँ। ओ नो, मैं फिर भूल गई, मैंने चाक तो निकाला ही नहीं। चलो ठीक है, वो मैं निकाल लूँगी। ये रहा मेरा सूट जो कि मम्मी ने भेजा है। ये रेडीमेड है, कुछ इस तरह का वर्क है इसके ऊपर किया हुआ, और ज़्यादा हैवी नहीं है क्योंकि रुद्राक्ष भी छोटा है। और इसके साथ ये पैंट प्लाजो है। ये मेरी चूड़ियाँ हैं जो कि मैं रिपीट कर रही हूँ, इस बार कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है। जो मम्मी पापा ने मुझे रुद्राक्ष के होने पे दिए थे, ये वो इयररिंग्स हैं। ये मेरी गोल्ड की ज्वेलरी है, ये मेरा किटी सेट है, ये मेरी सासू माँ का गले का हार है, और ये मेरा मंगलसूत्र है, और यहाँ पे मेरी पंजेबें पड़ी हैं और पैरफुल बिछुए पड़े हुए हैं। बस इतना ही कुछ वेयर करने वाली हूँ मैं सुबह। चाक रहता है पेंडिंग, तो वो मैं निकाल लेती हूँ अभी फटाफट से। और मैंने थ्रेडिंग तक नहीं बनवाई है, बाकी तो मैं कुछ करवाती ही नहीं हूँ। शक्ल का तो वैसे भी बाजा बजा हुआ है, बट थ्रेडिंग करवाती हूँ, वो भी नहीं करवाई हुई है क्योंकि बाज़ार जाने का टाइम ही नहीं था। ऊपर से मेरी तबीयत ख़राब है, दो बच्चों के साथ मैं अपना करवा चौथ कैसे सेलिब्रेट करती हूँ। एक 2.5 साल का बच्चा जो वहाँ सो रहा है और एक 2.5 महीने का बच्चा जो वहाँ सो रहा है। ओह माय गॉड, बहुत बुरे हाल है मेरे। तो स्टे ट्यून्ड, देखते हैं क्या क्या होता है। कुलौन थकान भरे दिन के बाद हम लोग पूजा के लिए तैयार हो गए हैं। तैयार क्या हो गए हैं, मतलब पूजा कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम रेडी होंगे। तो मैंने दूसरे हैंड में भी मेहंदी लगाई है, मैं दिखा देती हूँ आपको। ऐसे ही लगी है, लगा ली है। मैं दिखाती हूँ आपको अपना पूजा का कि कैसे किया है। इस ब्लैक वाले बैग में रखी है सुहागी, ये मेरी ननद के लिए सूट है, और वो करवा चौथ कथा की बुक है, और बाकी करवे हैं दो मेरे और दीदी के। अब हम पूजा कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। हो गई मैं रेडी। ये है मेरा आज का लुक, करवा चौथ का स्पेशल। ये मेरी दिमायरा का लुक है, दिमायरा तैयार नहीं हुई है अभी, इसको हम रेडी करेंगे। मैं ही हुई हूँ सिर्फ रेडी, दीदी हूँ मैं रेडी। रुद्राक्ष बाबू उठ रहे हैं, सो रहे हैं।
बहुत मुश्किल होता है छोटे बच्चे के साथ बात करना, सजना धजना। सजना तो ठीक है, पर ये धजना क्या होता है? चला रहे हैं, कर रहे हैं, जाते हैं। ये मेरा भोर है, ये बार बार ऐसे ऐसे हो जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। वेट कर रहे हैं कि कब चंदा मामा आएगा, फिर हम अर्घ देने जाएंगे। ओ बताइए, आपको लीटर भरता चाहिए यार फ्रेंड्स। पीठ की करती हुई मैं पैर नहीं छुआंदा। रोज गला टच करना, आज पैर टच करके क्या करना? हेलो लेडीज, हेलो लेडीज। आंटी 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 आंटी, ये आंटी चल रही है, ये आंटी चल रही है, और ये दिमाग जी खेल रहे हैं।